तो गाइस पिछले वीडियो में हमने सीखा था क्लास सिलेक्टर के बारे में। आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा। तो गाइस आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है जो आपका ग्रुप एलिमेंट है आप उसको कैसे यूज करेंगे अपने HTML और CSS में। तो चलिए गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। गाइस ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप CSS को यूज करते हैं, यानी अपने वेब पेज में ही CSS को चलाते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो है प्लीज मेरी वीडियो को प्लेलिस्ट से देखा करें, ये वन बाय वन देखा करें। अगर आप बीच में से वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, आज पार्ट 5 देख लिया फिर 8 देख लिया, तो आप जो है HTML और CSS नहीं सीख सकते, आप जो है मेरे चैनल से जा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और गाइस अभी तक आपने यार अगर टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया तो यार काहे का वेट कर रहे हो, ज्वाइन कर लो जाके यार। मैं जो है काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है उस पर डालता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं जो है इसमें सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको नोट पैड प्लस प्लस में जो है ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा ग्रुप एलिमेंट के बारे में। ग्रुप एलिमेंट गाइज क्या होता है आपको अभी पता चल जाएगा जब हम इसमें यूज करेंगे। गाइज ग्रुप एलिमेंट थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। गाइज उसमें क्या होता है कि आपके जो पैराग्राफ लिखा हुआ हैडिंग लिखी हुई है, या फिर कोई भी आपने पैराग्राफ हैडिंग या फिर टैग लिखा है, कोई भी सभी टैग टैग लगाया और आप चाहते हैं कि उनका जो है सारा कलर एक जैसा हो जाए, यानी एक ही HTML यूज करके, यानी एक ही बार में HTML का यूज करके वो सारा जो टेक्स्ट है वो एक ही तरह से कन्वर्ट हो जाए, तो गाइज आप जो है ग्रुप एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। नहीं आया समझ में तो गाइज थोड़ा सा करते हैं और उसके बाद जो है आपको पक्का जो है समझ में आ जाएगा। मैं जो है एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो सिंपल, और मैं जो है इसको यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा। तो गाइज पहले हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था यहाँ पे आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर और एक और सिलेक्टर था एलिमेंट सिलेक्टर, वो जो है आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने सबसे पहले बॉडी टैग के ऊपर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। सबसे पहले आप मैं जो है इसमें दो तीन पैराग्राफ जो है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उस बार देता हूँ पी, ठीक है, और उसमें उसमें मैं लिख देता हूँ इसमें YouTube और सिंपल स्पेस दे दिया। और मैं जो है एक पैराग्राफ के लिए, रुकिए एक मिनट, मैं जो है आपकी बार इसमें देता हूँ हेडिंग, H1 हेडिंग दे दी मैंने इसमें, और इसको कर दिया मैंने यहाँ से बंद, ठीक है, एंटर। और यहाँ से एक H2 की हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से जाके इसको बंद, ठीक है। अरे करने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, आपने जो है ये इतना काम कर लिया रे, ठीक है गाइस। अब आपको जो है इसमें कुछ भी लिख लेना, जो आप लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ उसमें HTML CSS, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या लिखूँ, इसमें गूगल लिख देता हूँ मैं, चलिए गूगल, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसमें H1, ठीक है गाइज। करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल, अब आपको कुछ नहीं करना है सिंपल। अब मैं एक मिनट इसमें आ जाता हूँ। आने के बाद अब आपको क्या करना है, तो गाइज इतना करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल, अब आपको जो है आपको अपने जो CSS जहां आप लिखते थे हेड टैग के अंदर स्टाइल के अंदर, अब आपको जो है उसके अंदर आना है। आप पहले क्या करते थे गाइज, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे तो आप जो है सबसे पहले इसका पी लिखते थे, और उसके बाद जो है यहाँ से ओपन बार देते थे, उसके बाद अंदर जाके नीचे क्लोज बार देते थे, सॉरी, और उसके बाद जो है इसमें जो भी आप करते थे बैकग्राउंड कलर या फिर आपको जोन सा भी कलर आप करते थे इसमें, जैसे यहाँ पे आप लिखते थे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद आप यहाँ से ये देते थे, और यहाँ पे आप जोन सा कलर चाहते थे आप जो है उसमें लिख देते थे ब्लैक, और यहाँ पे मैं जो है इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइज आप जो है सबसे पहले अपने जो HTML के जो टैग्स से आप जो है उसको ऐसे ही यूज किया करते थे, पर आपको गाइज अब की बार क्या करना है, अब की बार मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है एक मिनट, इसमें जो है मैं सारा का सारा एक ही बार में इसको जो है सेट कर दूं, यानी अपना यहाँ पे एक ही जो है टैग यूज करूं और यहाँ पे जो है सब में वो यूज हो जाए। जैसे हमने पिछली बार एक्सटर्नल CSS की थी तो उसमें जो है हमने एक एक्सटर्नल की फाइल बनाई थी, उससे क्या होता था कि हमारा हम जो है एक कोड को सभी में रन करा देते थे। तो उसमें भी गाइज ये इसमें भी यही है, आप इसके नाम से ही जान सकते हैं ग्रुप एलिमेंट। तो गाइज यहाँ पे एक ग्रुप की बात की जा रही है, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा,
और करके बताऊंगा जो, और जो है आप और भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब आपने जो है आप पहले ऐसे करते थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो है इस H1 को भी यहां पे वो दे दूं, यहां पे कलर दे दूं। तो गाइज आप जो है इसका भी अलग से यूज करते थे और उसके बाद जो है आप यहां पे इसको सेट किया करते थे। पर आपको अबकी बार क्या करना है गाइज, आपको अबकी बार सिंपल कुछ नहीं करना है, अबकी बार आपको अपने इसमें आना है, आने के बाद आपको कोमा लगा देना है और जोन से भी आप अदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे H1 का कर रहे हैं तो H1 लिख दीजिए, ठीक है। तो और यहां पे मैं एक और कोमा देता हूं, हमारे पास H2 भी तो है, तो हमने H2 भी कर दी। करने के बाद अब क्या होगा गाइज, अब इसमें ऐसा होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं यहाँ पे YouTube, HTML और Google, इसका इसका क्या होगा गाइज, अब की बार इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो आपका इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। हमने जो है अभी इसमें टेक्स्ट कलर नहीं दिया है, तो टेक्स्ट कलर देते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर और सेमी कोलन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ रेड, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां से इसको कर देता हूँ बंद। करने के बाद अब आपको जो है सिंपल इसमें मैं चाहता हूँ इसमें ये जो है मेरे सारे सेंटर में आ जाए, तो आप जो है इसको मैंने आपको बताया था टेक्स्ट अलाइन का जो है आपको यूज करना है, तो आप उसको भी यूज करिए टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको कोलन देने हैं, आपको आपको इसमें क्या लिखना है सेंटर, यानी आप सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं इसमें सेंटर देता हूँ, सेंटर मैंने रख दिया इसमें सेंटर। करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें जो है इसको कर देना है बंद। बंद कर दिया, अब क्या होगा गाइज, अब ऐसा होगा गाइज इसमें के सॉरी, अब इसमें क्या होगा कि हमारे हमारे यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ जो है यूज किए गए हैं, जितने भी टैग यूज किए हैं, हमारे तीन टैग जो है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो है ये जो तीन टैग्स हैं हमारे यहाँ पे यूज किए हैं पैराग्राफ का, H1 हेडिंग का और H2 हेडिंग का। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे इसके अंदर ये लिखे हुए हैं वो तो हम हो जाएंगे हमारे रेड, और इसके इनके जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएंगे ब्लैक, और जो है हमने इसमें वेब पेज पे हमारे कहाँ दिखेंगे, वो दिखेंगे हमें सेंटर में, ठीक है। एक बार इसको सेव करते हैं और चल के एक बार देखते हैं, एक मिनट, मैंने जो है वो पेज बंद कर दिया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपने क्या देखा गाइज, एक तो कितना बढ़िया लग रहा है, और आपको जो है HTML और CSS जो है यूज करना आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि बैकग्राउंड कलर जो है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सॉरी ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट कलर हो जाएगा रेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्टो वही हुआ है, और सेंटर में मैंने बोला था तो यहाँ पे सेंटर में भी हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, अब मैं इसमें करता हूं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूं यहां से सेव, और एक बार चलते हैं अपने इस वेब पेज पर, इसको करते हैं रिलोड। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो है सारे के सारे ये आपके टेक्स्ट जो लिखे हुए थे ये हो गए हैं लेफ्ट में, क्योंकि आपने जो है इसमें सेंटर तो नहीं दिया था, आपके बाद दिया था आपने लेफ्ट, तो ये जो है यहाँ पे जाके लेफ्ट में हो गए हैं। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक तो कर दिया करें यार वीडियो को, आपको कुछ तो समझ में आ रहा है, यानी आप जो है कुछ तो सीख रहे हैं। तो चलिए गाइज वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और आज के सुनो बस इतना ही, थैंक्स फॉर watching.